सर ये बताइए कि आखिर 15 दिनों के बाद ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए 15 दिन से मतलब जितना ना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। जबकि मैं कभी मेरा इतिहास जाकर देखिएगा तो मेरे बाबा सुंदर सहनी थे, मेरे पिताजी हाई स्कूल टीचर थे, हम 28 साल तक गवर्नमेंट में टीचर के रूप में काम किए हैं, शिक्षक के रूप में, और जमीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। विधायक के साथ लोग जुड़ते हैं तो विधायक जी हमारे 17 साल से विधायक मोकामा से हैं और मोकामा मेरा घर है। मेरे उनके बड़े भाई मतलब वहाँ विधायक मंत्री रहे हैं 10-12 साल, तो उनके साथ भी मेरा संबंध रहा है, तो राजनीतिक संबंध तो उनसे है, दो मत में है। और इसको कौन रूप में लोग दिखाना चाहता है हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आरोप तो आप पर लगा है ना? आप बता रहे कि आज तक 2015 के पहले मेरा 50-52 साल की उम्र में एक बार भी कोई केस मेरे ऊपर नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई केस नहीं हुआ है। सिर्फ 2015 में एक केस में मेरा नाम जोड़ा गया, कब? जब FIR मेरा नाम नहीं है, 161 का होता है पुलिस के समक्ष बयान, उसमें मेरा नाम नहीं है। 9 महीना बाद 5 किलोमीटर घटनास्थल से दूर दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में मास्टर साहब को भी दिखा गया है, तो उसका हम आवेदन दिए बड़े पदाधिकारी को, बड़े पदाधिकारी जांच करके और हमको निर्दोष साबित किए कि भाई इसमें इनका कोई संलिप्तता नहीं है। तो फिर मतलब हम लोग कोरोना काल था, हम लोग मतलब निश्चिंत होकर बैठ गए कि भाई ठीक है, भाई मतलब निर्दोष कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना काल के टाइम में आदमी को तो आदमी चिन्ह रहा था उस टाइम, लेकिन मतलब उसी टाइम संज्ञान लिया गया सब लोगों का, तो उसमें मेरा भी नाम आ गया संज्ञान में, तो लगा कि उसको कोर्ट के माध्यम से उस बात को हम रखेंगे, क्योंकि पुलिस का अनुसंधान तो पूरा हो चुका है। तो कोर्ट में मतलब मेरा बात रखा हुआ था, लेकिन उसी को हम न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है, न्यायालय में हमको न्याय मिलेगा। और हम इसी बीच लगा कि भाई इतना ना मतलब लोग हाई तवा मचा रहे थे बीजेपी के लोग, जिससे हमारा पार्टी का, हमारे माननीय नेता का छवि खराब हो रहा था, मेरा छवि धूमिल हो रहा था। हमको ऐसा लगा कि भाई मतलब पार्टी हित में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, इन सबके को मतलब प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, हमारा प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, इसलिए हम अपना रिजाइनेशन देना उचित समझे और हम दे दिए। उसके बाद जो भी पार्टी जब मतलब अपना केस से आपको अच्छी हो जाएगा न्यायालय से, तो फिर जो पार्टी जवाब नहीं देगी उसको हम बढ़िया से निवारण। विभाग बदलने को लेकर कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है, हम जनप्रतिनिधि के द्वारा चुने हुए आदमी हैं। पहले तो पूरे पटना जिला में 14 विधानसभा था, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सरकार हम पर भरोसा किया और पूरे बिहार का जवाबदेही हमको दिए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि उनके विश्वास पर हम खड़ा उतरे। लेकिन हमारे चलते पार्टी का मतलब धूमिल हो, जब मतलब हमारे नेता का धूमिल हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा भी धूमिल हो रहा था, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमको लगा कि रिजाइनेशन देना उचित होगा।